नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घंटों पूछताछ के बाद युवा नेता अभिनव डलकर सिलवासा पुलिस स्टेशन से निकले बाहर। दादरा नगर हवेली सिलवासा आदिवासी भवन मामले में आदिवासी विकास संगठन के एडमिनिस्ट्रेटर भावेश पटेल ने आदिवासी भवन से दस्तावेज चोरी होने के मामले सिलवासा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है, जिसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और कई लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। युवा नेता अभिनव डलकर को 28 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद अभिनव भाई डलकर ने गुरुवार के दिन सुबह लगभग 11 बजे के करीब सिलवासा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर कुछ घंटों तक पुलिस ने अभिनव डलकर से पूछताछ किया। इस दौरान युवा नेता अभिनव भाई डलकर के समर्थक सुबह से ही पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहे और अभिनव भाई डलकर के बाहर निकलने का इंतजार करता रहा। पूछताछ पूरी होने के बाद रात लगभग 11 बजे के करीब अभिनव भाई डलकर सिलवासा पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और बाहर में सुबह से ही खड़े अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हुए। हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिए डीएनएच न्यूज लाइन। अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हम आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद।